नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स PDPET प्रोग्राम के कोर्स कोड 521-521 के असाइनमेंट सेकंड, इसमें दो असाइनमेंट है, 521 में असाइनमेंट वन और असाइनमेंट सेकंड। असाइनमेंट वन में 3 क्वेश्चन थे जिनको कि मैं अपने चैनल आरजी स्टूडियो में अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन असाइनमेंट वन के, अब मैं असाइनमेंट टू का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल आरजी स्टूडियो में जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि TET एग्जाम्स, SSC, रेलवे, बैंक्स एक्सेट्रा के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। इसमें मैंने TET एग्जाम्स के लिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम के लिए मैथ्स EVS आदि के लिए वीडियोज़ बना रखे हैं। हिंदी के लिए भी वीडियोज़ बनाए, हिंदी इंग्लिश के लिए वीडियोज़ बना रखे हैं, जिन्हें अपने प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET, UPTET, उत्तराखंड TET, MPTET आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जो टैट एग्जाम्स के वीडियोज हैं वो मेरी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैंने जो ये DLED ब्रिज कोर्स है, इसके जो असाइनमेंट है, इनके सॉल्व असाइनमेंट के लिए वीडियोज़ बना रखे हैं। 521 के 3 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये 521 का मेरा चौथा वीडियो है और मैं इनके जो हिंदी में वीडियोज़ हैं ये भी जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये कोर्स कोड 521 का असाइनमेंट सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, नोट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग 500 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन वन, व्हाट इज़ द इमर्जिंग रोल ऑफ टीचर्स इन द प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो इन इंडिया। व्हाट विल यू डू फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन द क्लासरूम, डिस्कस विद एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया, व्हाट इज़ द इमर्जिंग रोल ऑफ टीचर्स इन द प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो इन इंडिया। जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो है उसमें, इन इंडिया में, उसमें टीचर का रोल क्या है। व्हाट विल यू डू फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन द क्लासरूम, आप क्वालिटी एश्योरेंस क्लासरूम में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या करोगे। डिस्कस विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ डिस्कस करो। तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ये 500 वर्ड्स में दे रहे हैं लगभग आंसर। जो कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख के आंसर लिखेंगे उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको ये जो आंसर है इसको एज इट इज़ ना उतारें, एकदम सेम टू सेम ना उतारें। इसमें कुछ जो ये सेंटेंस हैं या आगे पीछे करके उतार लें, या फिर जो लैंग्वेज है उसमें कुछ चेंज कर दें। एकदम सेम उतारेंगे तो सबका जो असाइनमेंट है एक जैसा बनेगा, और फिर ये कैंसिल भी हो सकता है, तो इसमें कुछ चेंजेस जरूर कर लें। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। द एजुकेशन कमीशन 1964-66 प्रोफेस्ड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। ऑन अ सिमिलर नोट, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एम्फेसाइज्ड द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट द सोशियो कल्चरल एथिक्स एथोस ऑफ द सोसाइटी। इट इज सेड दैट नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। अनडाउटली टीचर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एग्जाम्पलीफाइज that only a lighted lamp light another lamp. A teacher who is himself, herself learning can make others learn. A teacher has to perform many roles. Let us try to learn about them. Multifarious role of teachers. A teacher has multifarious role in educational system. He acts as a manager to the whole educational transaction, especially at the school and local level. अब ये पेज सेकेंड है, कोर्स कोड 521 का असाइनमेंट सेकेंड, क्वेश्चन वन। द वेरियस रोल आर टीचर एज इंस्ट्रक्टर एंड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम। NCF 2005 talks that a teacher should be co-constructor of knowledge in the classroom. Second, teacher as a manager of all the activities of teaching and learning. A teacher has to act as manager who organizes the educational
activities of the classroom as well as the school. Have you ever organized any function or activity in classroom? How many things you need? Yes, a long list of resources and you go about arranging for that. As a teacher, you have to manage, coordinate and provide leadership to students and other persons for successful completion of the task at hand. Third, teacher as a counselor helps the student to reach their maximum potential in life. He/she helps the child to make right choices with respect to courses, career. He/she also works on building capacity in the children to find solutions to their problem, both academic as well as personal. Thus, the teacher guides his/her own problem and not give ready-made answers. A teacher has to be sensitive, observant, empathetic and ये पेज थ्री है कोर्स कोड 521 असाइनमेंट सेकंड का क्वेश्चन वन का ऑब्जेक्टिव बिसाइड्स बीइंग लविंग एंड केयरिंग टू विन द ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स द जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन इज लीड बाय हिम हर फोर पॉइंटर टीचर एज प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज व्हेन ही डज रिसर्च एट द स्कूल लेवल इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिसर्च एंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम When solved leads to introduction of new methods. Fifth pointer, teacher acts as a school community bridge. School is a subsystem of community in which it is located. It cannot be isolated from the community. RT has given special mention to this special linkage between the community and the school. The teacher should explore the symbiotic relationship between the community and the school. For the benefit of both, school will depend on the community for its resources and the community will be benefited by the school for its development and the vibrancy. Sixth point, a teacher also acts as an agent of social change. This is the role which begins from school to community and society at large. When Nehru had emphasized on scientific temper, it was for a teacher to inculcate it in children. NPE had reiterated the fact that education has an exculturing role and furthers the goals of democracy enshrined in our constitution. Teacher is the agent who translates these special goals into the classrooms of India and prepares the next generation towards the vision of nation. Seven pointer, teacher as a leader who guides the class, school and community as well. He, she should have leadership skills to lead the way towards development. Leadership skills like decision making, management of available resources, finding solution to unforeseen problems. It is also an important role of effective teacher. Bodai committee 2009 in the context of RTE and its implementation through SSA talks of the central role of a teacher in education. The RTE act also attaches immense significance to the role of teachers in reforming elementary education. There should be opportunities to motivate them to innovate and create a culture in the classroom and beyond the classroom that might produce an inclusive environment for children, especially for girls from oppressed and marginalized backgrounds. Recognition for their role in educational development is expressed in form of President's Award for Teachers. So, dosto, ye jo maine answer bataya, ye assignment 521 असाइनमेंट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है. इसका आंसर लगभग 500 वर्ड्स में देना था. जो असाइनमेंट 521 है इसके जो फर्स्ट असाइनमेंट था फाइव क्वेश्चन वन सेकंड थर्ड मैं अपलोड कर चुका हूँ. ये असाइनमेंट 521 का जो असाइनमेंट है सेकंड असाइनमेंट इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड किया है. इसका आंसर 500 वर्ड्स में देना था. तो जो बाकी के असाइनमेंट है 522 523 524 में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा.
और जो डेल एंड प्री स्कोर्स के स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है और वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी में जो लेसन प्लान है, इन्हें भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आरजी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।